50 करोड़ का श्योपुर से सबलगढ़, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर से सबलगढ़ से श्योपुर से कोटा तक ब्रॉडगेज का लाइन का पूर्ण कार्य कर रहे हैं और ये तीव्र गति से चल रहा है। वहीं आज गडकरी साहब ने हमारे सबलगढ़ और श्यामपुर को जोड़ने का कार्य भी आज उसी के तहत 1800 करोड़ रुपए के कार्य से किया है। और पिछोर से दिनारा मार्ग शिवपुरी जिले का पूर्ण चौड़ीकरण 425 करोड़ का भी किया है। तो आज के दिवस पर मैं गडकरी साहब को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे क्षेत्र की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका जो एक सपना नहीं है, उनका संकल्प है कि एक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित करना होगा। और इसमें गडकरी साहब का आशीर्वाद, मोहन यादव जी का नेतृत्व, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा मध्य प्रदेश चौगुना विकास करेगा और उस तीव्र गति से आगे बढ़कर राष्ट्र पटल पर अपना नाम और पहचान जरूर बना पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके उद्बोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार से जन जन का जीवन संवर रहा है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रदेश के हित के लिए समर्पित, जो अपने संस्कारों और परंपराओं के समागम के साथ मध्य प्रदेश की बागडोर को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन के लिए आई जोरदार तालियों के साथ महाकाल के परम भक्त हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करें उद्बोधन के लिए। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक तरह से 10,000 करोड़ के काम कोई मामूली बात नहीं होती और बहुत सहजता के साथ हमारे लिए दिन भर से विकास के मामले में और नए नए आइडिया, जितनी बार बैठो जितनी बार बात करो, माननीय नितिन जी गडकरी जोरदार अभिनंदन करें हमारे भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, समादरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो भारत सरकार के लोकप्रिय और एक के बाद एक सौगात दिए जा रहे हैं। अभी ग्वालियर से परसों, फिर ग्वालियर से अहमदाबाद की एक नई फ्लाइट की शुभारंभ परसों होने वाला। मैं सौभाग्यशाली हूं, एक साथ सरकार बनने के बाद कितने प्रकार से कामों की सौगात मिलती जा रही है, कोई एक विभाग पीछे हो तो बताएं। कल ही हमने अपने बीच में माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच, समय की कमी है, प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया, जोरदार तालियां बजाए सारे के सारे मंचस्थ अतिथियों के लिए। हमने आज का दिन तो ये कई मायनों में अलग हटके है। हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था, लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी आजादी के बाद से, जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था और अभी आज लगभग 10.25 साल हुए हम, और ऐसे में वापस ये 5000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना, ये बहुत बड़ी बात। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र छूटा है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण में सभी में आया है, गुजरात से जाने वाले मार्ग हो उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ निमाड़ का, निमाड़ से खरगोन के रास्ते से महाराष्ट्र जाने के वो मार्ग का भी हमारे इसी कार्यक्रम से उसका भूमि पूजन लोकार्पण, समय की कमी है अन्यथा हमारे लगभग 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खास करके चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो, या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है। अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है, खास करके औद्योगिक गतिविधियां, और खासकर हमारा अपना प्रदेश तो कृषि विकास दर में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर गया था, अब उसको और आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार के मार्गों की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से काम किए थे, हम सब जानते हैं कि विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, और आज जो नया एक नई इबारत लिख रहे हैं, एक तो खास करके राजमार्ग की बात आती, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का भाषण आएगा तो अभी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ केवल राजमार्ग मतलब सड़क मार्ग की बात मत करो, अब जलमार्ग की बात भी करिए। जलमार्ग के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पर यातायात की संभावना होगी, और जल भी नहीं, थल भी नहीं, अब वो वायु मार्ग की बात भी करते हैं कि रोपवे और केबल कार, और केबल कार में भी वो 4 या 6 की नहीं 50-50 यात्री बैठ जाए उनको भी ले जा सकते हैं। अभी तक मैं सुन ही रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो, और आज के जमाने में बोले कठिन काम भी नहीं। जिस प्रकार की कल्पना है वो हमको लगता है कि कई बार असंभव तो नहीं है, लेकिन वो उनके रहते रहते कोई असंभव नहीं है। इथेनॉल से, मिथेनॉल से, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन से, खास करके हाइड्रोजन से, जो जिस प्रकार के वाहन व्हीकल चलाए जा रहे हैं, और जो जो भविष्य की संभावना है कि हमारे पास अपने संसाधन को बचाते हुए अब विद्युत वाले वाहन, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर आ जाए और कार सड़क पर आ जाए। लेकिन ये हमारे भविष्य की दृष्टि से भारत के संसाधन के लिए, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है, उसके बजाय ये हमारी जो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, ये वैकल्पिक जो वर्तमान की शोध हुई है, उन शोध का लाभ लेते हुए जितने भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा यशस्वी माननीय गडकरी जी आपके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम जितने भी प्रकार के आप बाकी विभागों के लिए भी तालमेल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप मार्गदर्शन करें, मध्यप्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और आज के इस अवसर पर मुरैना, अंबा, पोरसा नगरी क्षेत्र के 492 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के इस काम की आज हमने जो शिलान्यास किया है, इसकी मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा। 483 करोड़ की लागत से राजस्थान बॉर्डर से श्योपुर पोरस तक का जो नया निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो रहा है, इसकी भी मैं क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारी अटेर भिंड 348 करोड़ की लागत से, जो भी है वो 200-300 करोड़ से सब ऊपर ऊपर की निर्माण कार्य है, ऐसा लग रहा है कि वाकई परमात्मा की कृपा है। 417 करोड़ की लागत से गोरख श्यामपुर खंड, इसी प्रकार से 1,079 करोड़ की लागत से श्यामपुर सबलपुर खंड, इसके नए निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ है। 120 करोड़ की लागत से ब्यावरा बाईपास का, जिसका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया है, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। 214 करोड़ की लागत से सुजालपुर बाईपास खंड, ये हमारा बहुत महत्व का मार्ग है, इससे इसकी बड़ी सौगात मिलेगी। 329 करोड़ की लागत से मुलताई, और ये खास करके मध्यप्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, इसका लाभ हमारे मध्यप्रदेश को मिलेगा और साथ में देशवासियों को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। इसी प्रकार से कसरावत, सैलानी, खरगोन, बिस्टान बाईपास मार्ग के 468 करोड़ के विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हो रहा है। 461 करोड़ की लागत से सरवर देवता से देवला से पाल, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का ये क्षेत्र है, इसका लाभ हमको मिलने वाला है। इसी प्रकार से पिछोर से दिनारा खंड के 426 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का ये नया आज भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 370 करोड़ की लागत से गुजरात सीमा दाहोद से अंबुआ तक का नया निर्माण का आज भूमि पूजन यहाँ उस समय हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से बुधनी खंड, शाहगंज खंड और भोपाल के अंदर का बाईपास जो सिंधिया चौराहे से लगा करके रत्नागिरी तिराहे तक
अयोध्या बाईपास का खंड का 6 लेन का जो नया काम जो 1,239 करोड़ की लागत से पूरा नगर का हमारा नेतृत्व यहाँ बैठा है, मेरी अपनी ओर से इस नए निर्माण कार्य की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आपके ओजस्वी वचनों के लिए। समृद्ध प्रदेश की पहचान होती है सशक्त सड़कें, जिससे सशक्त समाज बनता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न विकसित भारत की परिकल्पना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आग्रह करना चाहेंगे, जिनके योगदान से पूरे भारतवर्ष में सशक्त राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, ऐसे राजमार्ग पुरुष जिन्हें हाईवे किंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि आप हम सभी को अपने प्रेरणा वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय नितिन गडकरी जी का। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय मंत्री ज्योतिराज सिंधे जी, सभापति विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश से अध्यक्ष और मेरे सांसद के सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, विश्वास सारंग जी, नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, नारायण पवार जी, दिलीप अहिरवार जी, नरेंद्र पटेल जी, लखन पटेल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल, रमाकांत भार्गव, श्रीमती प्रज्ञा ठाकुर जी, श्री रोडमल लागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह दामोर जी, दुर्गादास जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। मैं नागपुर से हूं और लोग ये बड़े मजाक में कहते थे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नीम लग जाती थी और जब नीम खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3,00,000 करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उद्योगों के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफी बड़े प्रमाण पर यहां भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं। पर हमने इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जहां भी इस प्रकार की संभावना है हमें जरूर प्रपोजल दीजिए। हम इंदौर और धार के बीच में औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में 1,111 करोड़ रुपए की लागत से 255 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर देना है, केवल अभी तक लैंड हमको ट्रांसफर हुई नहीं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो लैंड अगर तुरंत हमको अलॉट हो जाएगी तो इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। मालवा का आटा हो, जिसकी अरब देशों में खूब मांग है, आटे का बना पास्ता, दलिया, सूजी आबू धाबी, शारजा, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं और एक बात उनको कहूंगा कि अब हम रोप वे केबल कार में काम कर रहे हैं,
मध्य प्रदेश में 7,234 करोड़ की लागत से हमने 27 रोपवे का निर्माण करने का निर्णय किया है। उसमें आज जबलपुर में 2 का प्रेजेंटेशन भी हुआ, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। आज मुझे खुशी है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर 171 करोड़ की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबे रोपवे का टेंडर फरवरी में निश्चित रूप से निकल जाएगा। ओंकारेश्वर में सिद्धरकुट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 320 करोड़ की लागत से एक लंबे रोपवे का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से वाहन पार्किंग क्षेत्र से 37 करोड़ की लागत से 0.46 मीटर लंबे रोपवे की उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, इसका भी टेंडर जल्दी निकल जाएगा। और विशेष रूप से ये लिस्ट मेरे पास लंबी है, पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि ये भोपाल जो ये झीलों का शहर, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एक योजना मुंबई में तैयार की थी, क्योंकि और योजना ये थी कि नए मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वाटर टैक्सी से पानी के ऊपर, चाहे वसई विरार से लेकर डोंबिवली कल्याण तक कहीं से भी नए एयरपोर्ट पर केवल 17 मिनट के अंदर सब पहुंचेंगे और 10,000 वाटर टैक्सी शुरू होगी ताकि रोड से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अनुरोध है कि ये झील के ऊपर रोपवे, केबल कार, स्काई बस चल सकती है। आप जरूर इसके बारे में प्रस्ताव भेजिए, निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए जरूर मदद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम 27 प्रपोजल मध्य प्रदेश के हैं उनके सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसके टेंडर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 50,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरता है। मैंने जब एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया तो ये हाईवे पर ऐसी स्थिति है कि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना संभव होगा और मध्य प्रदेश से 5-6 घंटे के अंदर मुंबई तक पहुंच जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश के उद्योग व्यापार में काफी बड़ा फायदा होगा। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो इसी साल दिसंबर तक हम पूरा करेंगे और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 20,000 करोड़ हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद का है जो 18,000 करोड़ का है, जिसके ऊपर 687 किलोमीटर सिक्स लेन फोर लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी 2025 तक पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से करीब 2,000 किलोमीटर हम बना रहे हैं। यह इंदौर से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक जाएगा और हिंदौर से खंडवा के बीच 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनल, 3 वाइडक का भी निर्माण हो रहा है और 2025 तक वो पूरा हो जाएगा। इस हाईवे बनाने से इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में केवल 1 घंटे में जा सकेंगे, अभी फिलहाल इसमें काफी देरी लगती है। बुरहानपुर से इंदौर जाने में अभी 5 घंटे लगते हैं, ये बनने के बाद केवल 2 घंटे में जाना होगा और इस एक्सप्रेस वे बनने से खंडवा से हैदराबाद जाने का करीब 7 घंटे समय बचेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाईवे है वो विशेष रूप से उज्जैन से गरोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जो उज्जैन से मंदसौर जिले के गरोट तक 2700 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना जा रहा है और ये एक्सप्रेस वे उज्जैन देवास इंदौर को गरोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। अभी उज्जैन से कोटा जाने में 6 घंटे का समय लगता है, ये हाईवे बनने के बाद केवल 2.5 घंटे में कोटा पहुंच पाएगी। मेरा विश्वास है कि ये हाईवे बनने से निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे है वो आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे है, जो करीब 5,000 करोड़ की लागत से हम 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा और यह हाईवे आगरा इनर रिंग रोड से आरंभ होकर धौलपुर, मुरैना होकर ग्वालियर के ईस्टर्न रिंग रोड को जुड़ेगा। इस हाईवे में केहरी नदी, उत्तंगन नदी, चंबल और असन नदी सहित 8 स्थानों पर बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं
और आगरा से ग्वालियर मौजूदा काफी ट्रैफिक है, मुझे लगता है इससे डायरेक्ट आगरा जाने के बाद आगरा एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली जाना होगा तो ग्वालियर से दिल्ली 4 घंटे में होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे की अलाइनमेंट हमने पक्की की थी जिसका अटल एक्सप्रेस वे करके नाम दिया गया था शिवराज जी के समय, पर इस हाईवे में इन्वायरमेंट वालों ने कुछ अड़चनें लाई थी, बाद में जमीन के लिए बाकी जगह कुछ अड़चनें आई है। आप दिल्ली आइए, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठकर पुरानी अलाइनमेंट अगर हम निश्चित करेंगे तो जो गुड़गांव और नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पूरी इन्वेस्ट चंबल के क्षेत्र में आएगी और वहां के पिछड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हाईवे के अलाइनमेंट के बारे में आपके तरफ से एक बार निर्णय होगा तो दिल्ली से आगरा 2 घंटे में और आगरा से ग्वालियर 2 घंटे में, वैसे 3.5 घंटे में दिल्ली हो जाएगी और दिल्ली से काफी उद्योग यहां आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा। भोपाल से कानपुर तक करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम 440 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भोपाल से विदिशा सागर महोबा जिले के गबरई होकर कानपुर तक जाएगा। अभी भोपाल से कानपुर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं, ये कॉरिडोर बनने से केवल 7 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। ये कॉरिडोर बनने से भोपाल से कानपुर प्रयागराज वाराणसी तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सागर इसके साथ साथ भोपाल से सागर तक करीब 4,000 करोड़ की लागत से हम 170 किलोमीटर 4 लेन मार्गों में 3 पैकेज का काम जुलाई 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। पहला पैकेज भोपाल से मोरीकुड़ी तक 800 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर, दूसरा मोरीकुड़ी से विदिशा तक, तीसरा विदिशा से बेरखेड़ी तक और मेरा विश्वास है कि ये 4,000 करोड़ का हाईवे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में उपयोगी होगा। सागर से कानपुर तक ये कॉरिडोर हम बना रहे हैं जो सागर से महोबा जिले से कवरई होकर कानपुर तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सागर से मोहारी, सागर जिले के मोहारी से सतेघाट, छतरपुर जिले से सतेघाट से चौका तक, चौका गांव से महोबा तक 4 पैकेजेस है और मेरा विश्वास है कि ये भी 8,000 करोड़ का हाईवे मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश में जो हाईवे निर्माण होंगे उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्री आएगी और रोजगार निर्माण होगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी हम निर्माण कर रहे हैं, बेरखेड़ी NH 146 से गड़ेपेरा NH 934 550 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड का काम भी 2024 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि ये लिंक रोड बनने से भोपाल से कानपुर तक 21 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना ये मध्य प्रदेश की सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। आदरणीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने भी काफी पहल की और काफी बदलाव लाया है। मेरा विश्वास है कि आदरणीय नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश देश के पहले 3 प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य में आए। इसलिए यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी भारत सरकार की ओर से पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनको सपोर्ट करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। और CRF में काफी काम मंजूर हुए हैं, विशेष रूप से सेतु भारतम में भी काफी रेलवे ओवरब्रिज अंडरब्रिज भी मंजूर हुए हैं। निश्चित रूप से यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने के बाद और मंजूर करके हमें निश्चित रूप से देंगे। मैं फिर से एक बार आज मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी। और निश्चित ही भारत वर्ष में विश्व स्तरीय रोड नेटवर्क स्थापित होगा आपके मार्गदर्शन में। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करना चाहूंगी श्री SK सिंह जी आरओ भोपाल से। मैं NHAI की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जो उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। इसके अलावा माननीय श्री BD शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब,
एंड नरेंद्र सिंह तोमर साहब और अन्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के